السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون मज्ज़ मोहतरम हाज़रीन मदलस दीनी और इस्लामी भाइयों आज के दरस में माह रमज़ान से मुतालिक दो अहम और ज़रूरी पैगामात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिन पैगामात को समझना और उस पर परमल करना हर उस मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में अपनी बख्शिश और मगफरत करवाना चाहता हो देखिए अल्लाह रब्बुल ला आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद या अय्युहल शरमायादी आमनु का हक वाला वला तुन्ना इल्ला मुस्लिम हो ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो रमज़ान का महीना बिला शुबह जन्नत हासिल करने का महीना है इसलिए कि इस महीने में रब्बुल आलमीन के हुक्म से जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जन्नत का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता रमजान का महीना जहन्नम से आज़ादी का महीना है इसलिए कि इस मुकद्दस और मुबारक महीने में जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद करवा दिए जाते हैं जहन्नम का कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता रमजान का मुकद्दस और महतरम महीना अपने अंदर वो ईमानी ताकत और क़ुव्वत पैदा करने का महीना है जिसके ज़रिए हम पूरी ज़िंदगी शैतान को ज़ेर कर सकें क्योंकि रमजान के महीने में जिन और शयातीन या सरकश जिनों को क़ैद कर दिया जाता है तो दो बातें जो ज़रूरी हैं वो ये हैं पहली बात ये कि रमजान के महीने में हम जितनी भी नकियाँ करते हैं चाहे हम नमाज पढ़ें फ़र्ज़ नमाजें चाहे हम पंज वक्त नमाज़ों का अहतमाम करें चाहे तरावी का अहतमाम करें चाहे कुरान की तिलावत का अहतमाम करें सबसे पहली ज़िम्मेदारी हमारी यह है कि अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिश करें सैलाब के पानी की तरह समाज के दबाव में मस्जिदों में ना आए कि लोग क्या कहेंगे कि रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ता लोग क्या कहेंगे कि रमज़ान में एक कुरान भी ख़त्म नहीं किया तो जो भी इबादत करें इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला राजी हो जाए अल्लाह खुश हो जाए कोई देखे या नहीं देखे आलमीन देख रहा है ये इसलिए ज़रूरी है कि नीयत की जरा सी खराबी की वजह से बड़ी सी बड़ी नेकी बर्बाद हो जाती है आपको मशहूर हदीस मालूम है कि कयामत के दिन सबसे पहले तीन बड़े बड़े नेक काम करने वालों का फैसला किया जाएगा उनमें एक शहीद होगा उनमें एक आलिम दीन होगा उनमें एक बहुत बड़ा मालदार होगा जिसने बहुत सारा पैसा दीन के रास्ते में खर्च किया होगा लेकिन तीनों को कहाँ डाल दिया जाएगा मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा नीयत की खराबी की वजह से नीयत थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए तो उसका फायदा क्या होगा सही बुखारी की रवायत है महम्मद रसूल वसम ने फरमाया सात किस्म के लोगों को अल्लाह ताली अपने अर्श के साय में क़्यामत के दिन जगह फरमाएगा उन्ही सात बंदों में से दो बंदे वो होंगे नंबर एक ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से चंद कतरे आंसू निकल आए उसकी आंखें अशकबार हो गई बहुत ज्यादा रोने वाला नहीं दो तीन कतरे भी गिर गए अपनी आंखों से उसने अल्लाह के डर से गिरा दिया खालियन तन्हाई में तो अल्लाह ताला उसको क्यामत के दिन अपने अर्श के सय में जगाता फरमाएगा वराजुल तद कबेद का और दूसरी नेकी का तस्करा किया मोहम्मद रसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा शख्स जिसने सदका किया इस तरह से छुपा कर किया कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं चला कि दाहिने ने सदका क्या किया यहां सदके की लिमिट नहीं बताई गई कि वो पांच लाख किया दस लाख सदका किया या पांच हजार सदका किया या पांच रुपए का सदका किया फ़रजल छुपे तौर से सदका किया चाहे वो छोटा सदका हो या बड़ा सदका हो तो ये बात वाजह हो गई कि नीयत अगर हमारी दुरुस्त नहीं है तो हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं अकारत हो सकती हैं और दूसरी ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम इस रमजान के महीने में जो भी नेकियां करें इस नीयत से करें कि ये नेकी इंशाल्लाह मरते दम तक हमारी जारी रहेगी इन इसकामत की नीयत हो सिर्फ़ रमजान में ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ेंगे सिर्फ़ रमजान में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी कुरान की तलावत रोज़ाना करते रहेंगे सिर्फ़ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी सदका खैरात करते रहेंगे वरना मैंने मिसाल दिया सैलाब के पानी की तरह कि सैलाब आता है तो बहुत सारा पानी दरिया में आ जाता है और सैलाब ख़त्म होता है तो वही पानी दरिया में बाकी रहता है जो उसका ओरिजिनल पानी होता है यही हाल रमजान का है रमज़ान का, का महीना आता है तो मस्जिदों में नमाजियों का सैलाब आ जाता है और रमज़ान का महीना ख़त्म होते वही नमाजी रह जाते जो रमज़ान से पहले थे उसके अलावा सारे गायब हो जाते और ये हदीस में मौजूद है बाकायदा मोहम्मद ने फरमाया बेअमल कि एक आदमी एक लंबे जमाने तक जन्नत में ले जाने वाले आमाल सालिया करता रहता है जन्नत में ले जाने वाली नेकियां करता है लंबे जमाने तक तीस साल चालीस साल पचास साल साठ साल लेकिन जब वो मरता है तो बददीन होकर मरता है मरता है तो बद होकर मरता है मरता है तो बदामल होकर के मरता है और चला जाता है और आगे फरमाया अल्लाह के नबी सर सुख तम लहू अमलना और एक आदमी लंबे जमाने तक गुनाह की शर की बिदत की खुराफात की जिंदगी गुजारता है लेकिन मरने से पहले अल्लाह उसको तोबा की तोफ़ीक दे देता है मरने से पहले वो जन्नती आमाल करने लगता है मरने से पहले वो तोहद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो जाता है और उसके बाद उसी नेक आमल पर उसी अच्छे अकीदे पर उसकी वफात हो जाती है और वह कहाँ चला जाता है जन्नत के अंदर कितनी प्यारी बात है तो यह दो चीज़ें याद रखेगा एक अखलास दूसरे इस्तकामत जो इबादत करे सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए करें और जो इबादत शुरू करें वो इस नीयत से शुरू करें कि जब तक जिसम में रूह और जान बाकी है इन शाह हम इस इबादत को बंद नहीं करेंगे अल्लाह से दुआ है कर रबालमीन हम तमाम तो मुसलमानों को इन दो अहम और ज़रूरी बातों को समझने और उन पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमा और ईमान के साथ मोहदरस फरमाम सल्ला नबी करीमक